इजरायली सेना गाजा को चारों तरफ से घेर कर खड़ी है। वहीं इजरायल की एयरफोर्स गाजा पर लगातार रॉकेट्स और मिसाइलों से हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। इजरायल की रणनीति है कि पहले वो घनी आबादी वाले गाजा में हमास के बड़े बड़े ठिकानों को तबाह करे, ताकि जब इजरायली सेना गाजा में घुसे तो आतंकियों को छिपने की जगह न मिले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी इजरायली सेना से दो दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। और इसी कड़ी में हमास की अलकासिम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हमास के लड़ाके गाजा से ड्रोन अटैक लॉन्च कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने हमास द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में 42 सेकंड से 48 सेकंड की पुष्टि की है। ये फुटेज सैटेलाइट से ली गई गाजा की तस्वीरों से मेल खाती है। हालांकि न्यूज एजेंसी का कहना है कि वो स्वतंत्र रूप से इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई है कि बाकी का वीडियो किस जगह का है और कब फिल्माया गया है। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर 2023 को इजरायली सेना गाजा में घुसी थी और आसमान से भी हमास के ठिकानों पर कई हमले किए गए थे। हालांकि हमास ने यह दावा किया था कि उसने इजरायली सेना की छापेमारी का जवाब दिया है और ये पूरी झड़प दक्षिणी गाजा में हुई है। हमास का कहना है कि उसने इजरायली सेना के दो ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है। हालांकि इजरायल का कहना है कि उसने इन हमलों को नाकाम कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ 24 अक्टूबर 2023 को भी हमास ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हमास के आतंकी इजरायली सेना की पोस्टों पर फायरिंग कर रहे हैं। हमास का दावा है कि उसने 22 अक्टूबर को इजरायल की एक मिलिट्री पोस्ट पर हमला किया था और इस हमले में इजरायली सेना के कई उपकरण भी तबाह हो गए थे और इस हमले के बाद हमास के आतंकी वापस गाजा में आ गए थे। हमास के मुताबिक ये हमला पूर्वी खान यूनिस शहर में किया गया था, जो गाजा का दक्षिणी इलाका है। आपको बता दें कि हमास को लगातार ये डर सता रहा है कि इजरायली सेना कभी भी गाजा पर जमीन से हमला कर सकती है।